अमेरिकन हिस्ट्री के कुछ मिस्टीरियस घटनाओं में से एक घटना सबसे ज़्यादा दिलचस्प है जो कभी सॉल्व नहीं हो सके, और इस घटना को अंजाम देने वाले इंसान का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। ये एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिकन पुलिस से लेकर FBI तक के नाक में दम कर दिया था, और इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद अमेरिकन अथॉरिटीज़ DB कूपर को पकड़ने या उसका पता लगाने में नाकाम रहे। जी हाँ, आज मैं आपके सामने अमेरिकन हिस्ट्री की वो अनोखी रॉबरी लेकर आया हूँ जो कि आसमान में हुई पहली और अब तक की अकेली घटना है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप में से किसी के पास ऐसी कोई घटना की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियों की वीडियो बना सकूं। चौबीस नवंबर 1971 की बात है। एक आदमी जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, एक एयर टिकट खरीदता है जो कि पैसिफिक नॉर्थवेस्ट एयरलाइन से पोर्टलैंड सिएटल तक का सफ़र था। इस फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 35 मिनट का वक्त लगना था। इस प्लेन का एक तिहाई हिस्सा फुल था और डैन कूपर 18C नंबर वाले सीट पर बैठ गया था। थोड़ी देर में उसने वहीं बैठे बैठे एक सिगरेट जलाई और एयर होस्टेस से एक ड्रिंक रिक्वेस्ट की। मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में कुछ फ्लाइट्स पर सिगरेट्स पीना अलाउड था। कूपर बहुत शांत मूड में था। ड्रिंक आते ही उसने उसके पैसे पे किए और अपनी सीट पर बैठ गया। वो प्लेन करीब दिन के 2:50 पर टेक ऑफ हुआ था। प्लेन को टेक ऑफ हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए थे कि एक अजीब सी घटना घटी। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को आवाज़ दिया और उसे एक नोट थमा दिया। फ्लाइट स्टीवर्ड फ्लोरेंस को ये लगा कि शायद किसी का नोट नीचे गिर गया होगा, और इसलिए कूपर ने उसे फ्लाइट स्टीवर्ड को दे दिया, और यही सोचते हुए फ्लोरेंस ने उस नोट को बिना देखे अपने पॉकेट में रख लिया। लेकिन जैसे ही फ्लोरेंस वो नोट को अपने पॉकेट में रख के आगे बढ़ने लगी, कूपर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मैडम, बेहतर होगा अगर आप उस नोट को पढ़ लें, क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। ये सुनकर फ्लोरेंस के होश उड़ गए। इससे पहले फ्लोरेंस कुछ रिएक्ट करती, कूपर ने उसे पास वाले सीट पर बैठने को बोला। फ्लोरेंस डर से सहमी हुई कूपर के पास बैठ गई, और फिर कूपर पास में रखे एक बैग का जिप खोल के उसे कुछ दिखाने लगे, और जब फ्लोरेंस ने उस बैग के अंदर देखा तो सच में वहाँ पे एक बॉम्ब था। फ्लोरेंस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कूपर ने उसे कहा कि अब वो पॉकेट में रखे उस नोट को निकाल के पढ़े। फ्लोरेंस ने पेपर निकाला, उस पर लिखा था, मेरे पास एक एक्टिव बॉम्ब है, और अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं इस बॉम्ब को डिटोनेट कर दूंगा। कूपर की दो रिक्वेस्ट्स उस नोट पर लिखी थी। पहली रिक्वेस्ट, $2,00,000 जो कि $20,000 की नोट की गड्डी के शक्ल में हो, और दूसरी रिक्वेस्ट, 4 पैराशूट्स। फ्लोरेंस वो नोट लेकर उस प्लेन के पायलट के पास गई और सारी बातें बता दिया। फिर पायलट विलियम स्कॉट ने इस घटना की जानकारी सिएटल एयरपोर्ट को दी। इसी बीच बाकी के 36 पैसेंजर्स को ये कहा गया कि सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हैं। फ्लाइट से ही पायलट को FBI एंड US के एरोनॉटिक चीफ डोनाल्ड नायरोप से बात करवाई गई। हालात का जायज़ा लेने के बाद डोनाल्ड नायरोप ने कूपर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और कहा कि एक भी पैसेंजर को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो प्लेन करीब 2 घंटे तक प्यूगेट स्ट्रेट के ऊपर गोल गोल चक्कर काट रहा था, ताकि ज़मीन पर कूपर की रिक्वेस्ट की हुई चीज़ें अवेलेबल हो सके और बाकी के 36 पैसेंजर्स को बिना किसी वारदात के आसानी से निकाला जा सके। कूपर का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा था कि उसे नीचे ज़मीन का अच्छा खासा आइडिया है, क्योंकि जब प्लेन टैकोमा पहुंचने वाला था तो कूपर ने वहीं बैठे बैठे बता दिया कि अब टैकोमा यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है।
इसका मतलब साफ था कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कूपर ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। और इधर ज़मीन पर FBI कूपर की मांग के अकॉर्डिंग डॉलर्स रीअरेंज करने में लगे थे। सारे नोट्स 20-20 डॉलर्स के थे और सब नोट्स की सीरीज 1963A की थी, जिसकी शुरुआत L से होती थी, जो कि वहीं के बैंक ऑफ सिएटल से लाई गई थी। और 4 पैराशूट्स का भी इंतज़ाम पास के ही सिएटल पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल से कर लिया गया था। और अब FBI के पास कूपर की दोनों डिमांड्स मौजूद थी। थोड़ी ही देर में करीब 5:24 पर प्लेन सिएटल एयरपोर्ट लैंड किया और कूपर ने बाकी के 36 पैसेंजर्स को नीचे जाने को कहा। कूपर ने प्लेन के सारे विंडोज़ को कवर करवा दिया, क्योंकि वो स्नाइपर्स का शिकार नहीं होना चाहता था। एयरपोर्ट ऑपरेशंस के मैनेजर ने कूपर के डिमांड्स को टीना मकलाओ के हाथों प्लेन पर पहुंचा दिया। टीना पैसे से भरा हुआ बैग, जो कि करीब 10 किलो का था, लेकर प्लेन पर आ गई। पहले से मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स को प्लेन से उतार दिया गया और अब उस फ्लाइट पर सिर्फ 5 लोग ही थे, जिसमें कि कूपर, टीना, एक फ्लाइट इंजीनियर और 2 पायलट थे। फ्लाइट रिफ्यूल हो रही थी और इसी दौरान कूपर कॉकपिट में आया और उसने पायलट से कहा कि यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद नॉनस्टॉप मेक्सिको की तरफ चलो, वो भी बस 10,000 फीट की ऊंचाई से, और प्लेन की स्पीड 100 नॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे पायलट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 मील पर आवर के स्पीड से उड़ सकते हैं, उससे कम की गुंजाइश नहीं है। और रही बात मेक्सिको की, तो वहाँ तक जाने के लिए एक और बार रिफ्यूलिंग कराना होगा। थोड़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि फ़्लाइट को अमेरिका के नवादा में दोबारा रिफ्यूल करवाया जाएगा। वो प्लेन करीब शाम के 7:40 को टेक ऑफ हुआ, जिसमें कूपर के अलावा 4 और लोग थे, और इस प्लेन के साथ साथ अमेरिकन आर्मी का 2 F-106 भी इस प्लेन के पीछे पीछे निकल गया। एक F-106 इस फ्लाइट के नीचे उड़ा था और दूसरा इसके ऊपर, और थोड़ी देर के बाद 3 और F-106 इसके पीछे आ गए। अब इस फ्लाइट के अलावा 5 और F-106 इस फ्लाइट के साथ उड़ रहे थे। कूपर को तुरंत इस बात का पता चल गया और उसने कहा कि अगर ये लड़ाकू जहाज़ इस प्लेन के पीछे आते रहे तो वो बॉम्ब डेटोनेट कर ही देगा। हालात ऐसे थे कि कूपर की बात को मान लिया गया और F-106 को वापस बुला लिया गया। ये मामला ख़त्म होते ही कूपर ने क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में जाकर अंदर से लॉक करने को कहा। करीब 8:15 पर कॉकपिट में वार्निंग अलार्म बजने लगे, जो कि ये इंडिकेट कर रहे थे कि प्लेन का एयरबैग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और अंदर लगे हुए लैंप ऑन हो चुके हैं। ये सब देखते हुए क्रू ने कूपर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कूपर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये सब हुआ ही था कि 1-2 मिनट के अंदर ही प्लेन के एयर प्रेशर में अचानक से बदलाव आने लगे और प्लेन बेकाबू होने लगा, और पता चला कि प्लेन का पैसेंजर एंट्रेंस गेट खुला हुआ है। प्लेन को काबू करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि प्लेन का पीछे का हिस्सा प्रेशर की वजह से आसमान की तरफ था और प्लेन तेज़ी से नीचे जा रहा था। प्लेन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी वक्त लग गया, और ये सब घटना के 2 घंटे के बाद ये प्लेन नवादा में जैसे तैसे लैंड हुआ। जब क्रू मेंबर कॉकपिट से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कूपर नहीं है और ना ही पैसे से भरा हुआ बैग है। कूपर $2,00,000 लेकर चलती हुई फ्लाइट से कूद चुका था। FBI ने प्लेन की छानबीन शुरू कर दी तो देखा कि 4 में से 2 पैराशूट्स अब भी प्लेन में ही थे। बहुत जांच करने पर यह कहा गया कि शायद कूपर 8:13 के करीब जंप किया होगा। बदकिस्मती से उस वक्त उस इलाके में तेज़ बारिश और बिजली कड़क रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ऐसे सिचुएशन में पैराशूट से छलांग लगाना एक बेवकूफ़ी थी और ज़िंदा बचने के चांसेस ना के बराबर थे। लुइस रिवर के पास एक आर्टिफिशियल लेक है, जिसका नाम लेक मेरविन है। पुलिस अथॉरिटीज़ ने वहीं से जांच पड़ताल शुरू की। आसपास के सारे इलाके को एक एक करके ढूंढा गया। नदी के साउथ से लेके नॉर्थ तक सारे खेत खलियान, सारे घर, सारी ज़मीन को अंदर से बाहर तक और हवा से सर्च किया गया, पर कूपर या कूपर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं मिली। अथॉरिटीज़ ने एक सिमुलेशन भी तैयार किया, जिसमें एक पैराग्लाइडर को ठीक उसी जगह से उसी स्पीड से उसी वक्त जंप कराया गया, ताकि कूपर के लैंड होने वाले जगह का पता लगाया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि उस दिन बहुत बादल थे और हवा भी तेज़ थी, जिसने शायद कूपर की फ्लाइंग स्पीड चेंज हो गई होगी। उन्हीं दिनों में ओरेगन शहर के एक डैन कूपर नाम के शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इस डैन कूपर का प्लेन हाईजैक से कोई लेना देना नहीं है।
FBI ने उन नोट्स की डिटेल सारे बड़े शॉप्स, बैंक्स एंड अलग अलग जगह पर दे दिए, ताकि उस सीरीज के नोट्स अगर उनके पास आए तो पता चल सके कि इस घटना के पीछे कौन है। कुछ दिन बाद नोट्स के सीरियल नंबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया गया और $1,000 का इनाम भी रखा गया। लेकिन ये सारी मेहनत बेकार गई, किसी भी जगह ऐसे सीरीज के नोट्स नहीं मिले। लेकिन एक छोटे बच्चे को एक नदी के किनारे $5,800 मिले, जो कि कूपर वाले सीरीज के थे। FBI के पास इसके अलावा कोई और सबूत नहीं था। FBI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वहां पर डैन कूपर के नाम को गलती से DB कूपर कह दिया गया और अखबार में भी DB कूपर ही छपा, जिसके बाद से कूपर को DB कूपर कहा जाने लगा। कूपर की हाइट 1.8 मीटर्स की थी और वो करीब 40 साल का था। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था और काला चश्मा लगाया हुआ था। क्रू मेंबर्स का कहना था कि बातचीत में वो बहुत काइंड मालूम होता था। उसने किसी के साथ कोई बदतमीजी या जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, उसने सबसे रिस्पेक्टफुली बात की थी। टीना मकलाओ ने कहा कि कूपर को देख के नहीं लगता था कि वो ऐसी कोई घटना को अंजाम दे सकता है। वो नेचर से बहुत काम दिख रहा था। प्लेन के बैकडोर को ओपन करने के बाद कूपर ने जंप लगा दिया और उसके बाद से आज तक कहीं नहीं दिखा। इस घटना के बाद प्लेन्स के डोर्स में एक सिस्टम लगाया गया जिससे हवा में प्लेन का दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, और इस सिस्टम का नाम कूपर रखा गया। आप माने या ना माने, इस घटना के बाद कूपर बहुत सारे अमेरिकन्स के लिए हीरो बन गए। कुछ सालों के बाद इस घटना से जुड़ी 4 किताबें भी पब्लिश की गई और इसके अलावा एक TV सीरीज भी बनाई गई जिसका नाम कूपर रखा गया। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अनोखे दिलचस्प घटना को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।